और तेको नीचे हो तो क्या बात है क्योंकि सस्ती भी और अपने इंडियन है वो टोन तो बाहर नहीं आ रखी एनफ और तो और बीड्स वाली माला से इंस्पायर्ड बीड्स ब्रेसलेट हो गए पर्सनलिटी भाई को हटके बनानी है लेकिन अपना ट्रेडिशनल वेयर कब निकलता है सिर्फ दिवाली पे या पूजा पे तो लड़कियों के हिसाब से भी थर्ड नंबर पे सेक्सी बॉडी पार्ट आता है वो आपके नेक और आइज के बाद हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज ओन द फॉर्मल आज हम बात करेंगे इंडियन जेनेटिक्स को आप बहुत अंडर मतलब जो हमारा हल्का सा डस्की कॉम्प्लेक्शन है ना उसके लोग टैनिंग बेड पे पैसे खर्च रहे हैं वो हल्का सा डस्की कॉम्प्लेक्शन हमारे ब्लैक थिक वो काले बाल वो रिस्पेक्ट हमारे कल्चर में वैल्यूज जो इंटेलिजेंट होते हैं इंडियन लोग आप बोलोगे तो खुद इंडियन साइड ले रहा है लेकिन ऐसा नहीं है बहुत सर्विस में बोला गया है कि इंडियन मैन द हॉटेस्ट ये देखा गया है और yeah. उसके साथ साथ वो yeah. हो तभी होगा अगर आप सही से ग्रूम करें और सही डायरेक्शन में अपने आप को लेके जाए और वो अपने लुक्स को लेवल टेन पे कैसे लेके जाए आइए बात हाइजी आपके बड़े बाइसेप और फैंसी फोन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बहुत बार बता चुका हूं लेकिन आपका फेस एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल आप छुपा नहीं सकते और उसका हाइजीन मेंटेन करना इज वेरी तो इंपॉर्टेंट आपके जो इंडियन के बाल होते हैं वो बहुत थिक होते हैं और काले होते हैं कुछ भी होगा उस पर डांड्रफ होगा हल्की सी भी फ्लेकीनेस आ जाएगी तो वो तुरंत दिखेगी तो हमने बहुत बार देखा होगा लड़कों की टी शर्ट पे अगर डार्क कलर की पहनेंगे तो नीचे हल्के व्हाइट वाइट फ्लेक्स आते हैं जब दाढ़ी छूती है या आईब्रोज पे या कभी कान के अंदर पपड़ी जम जाती है व्हाइट फ्लिकी फ्लिकी कान के पीछे दैट इज वॉट मालासीजिया कहते हैं वो होता क्या है एक

टिप करना है दही उसमें होती है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पंद्रह मिनट लगा के रखे उसको वॉश कर दे स्किन ज्यादा ड्राई है और ट्रिगर ना हो उसके बाद उसके लिए क्या करेंगे हम आपको बियर्ड ऑयल या आलमंड ऑयल भी लगा सकते हैं लेकिन अगर एक्ने प्रॉब्लम है तो यूज अ मॉइस्चराइजर फिटनेस का क्रेज यहां से यहां जा रहा है बट अस्सी प्रतिशत लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं सबसे पहले तो ये रूल समझना पड़ेगा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के लिए आपको वो नशे वो और एप्स की जरूरत नहीं है हल्का सा अगर एक्टिव भी है फिट भी है मतलब बाहर नहीं आ रखी दैट्स और लोग गलत जा रहे हैं क्योंकि उनको शॉर्टकट जल्दी दिखावा चाहिए लंबी मेहनत नहीं चाहिए क्यों क्योंकि वो चेस्ट मतलब सिमिट्री का है प्रपोर्शन का है भाई ऊपर बुर्ज खलीफा और देखो नीचे कभी नहीं दिखा और भाई वो अपनी रूट्स भूल गए क्या पे अखाड़े में दंड और बैठक होती थी हमसे ज्यादा फिट भी रहते थे और साथ साथ क्या बॉडी सिमिट्री में रहती थी उन लोगों की अगर वो नहीं फॉलो कर सकते तो लड़कियों के हिसाब से भी थर्ड नंबर सेक्सी बॉडी पार्ट आता है वो आपके नेक और आइज के बाद आपके बट और 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 आपकी thighs. तो इसी बहाने कर लो और उसके और भी बेनिफिट्स हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा रहता है कोर स्ट्रेंथ लोअर बैक अच्छी रहती है और साथ साथ बॉडी स्टेबिलिटी रहती है जॉइंट पेन नहीं रहता और अपनी थाइस को कैसे ग्रो करेंगे पहले स्किप तो नहीं करना है हफ्ते में दो बार थाइस मारिए प्रोटीन लेवल हाई रखिए और क्या स्किन और ब्लैक डार्क बॉटम्स अवॉइड करिए लाइट बॉटम्स या कार्गो पॉकेटेड बॉटम्स टू मेक इट लुक बिगर एक्सेसरी किसी बेसिक और फीके आउटफिट को पांच से दस पाँचा सकता है इंडियन एक्सेसरी हो तो क्या बात है क्योंकि सस्ती भी मिलेगी और अपने इंडियन है वो हल्का सा मॉडर्न ट्विस्ट देगा आपको सेक्सी बना दे तो क्या अर्ज है हमारा कड़ा चलता है कड़े का इंस्पायर्ड वर्जन है कड़ा ब्रेसलेट जो आपका सिल्वर में मैट ब्लैक में या गोल्ड में भी वॉच के साथ हाथ पे बहुत रॉयल लगता है हमारे मोती पर्ल्स कब से चले आ रहे हैं इंटरनेशनल स्ट्रीट शर्ट ट्रेंड चल रहा है स्वेट शर्ट के साथ कुर्ते के साथ बंद गले के साथ बहुत ही क्लासी लगता है

पे फोकस जाता है एक होता है फेशियल फीचर्स विच आर गिफ्टेड आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते दूसरा होता है आपके बाल अगर अच्छे से ग्रूम करेंगे तो अच्छे से आप अपने फेस को भी कैरी कर सकते हैं एंड यू कैन लुक प्रेजेंटेबल अभी इस चीज में बहुत लोग हेयर लॉस फेस करते हैं फिर क्या करते हैं कोई प्याज लगा रहा है कोई लसन लगा रहा है कोई कैप्सूल लगा रहा है बट कोई सोल्यूशन तो निकल ही नहीं, नहीं रहा बट एक्चुअली क्या है कोई टीनेज हेयर लॉस हो चाहे वो जेनेटिक हेयर लॉस हो उसका कोई एक सोलूशन नहीं निकल सकता मतलब मैंने एक तेल लगा लिया एक शैम्पू लगा लिया एक कंडीशनर लगा लिया या एक फूड प्रोडक्ट खा लिया उससे सोल्यूशन नहीं निकलेगा इट्स अ कॉम्बिनेशन विच विल हेल्प यू टू रीग्रो योर हेयर अभी कॉम्बिनेशन किन चीजों का है अपने लाइफ में चेंज करना जैसे कि डाइट में चेंज आयुर्वेदिक हर्ब्स को एड करना डर्माटोलॉजिस्ट आपकी स्कैप को टेस्ट करते हैं उसके हिसाब से सिरम जिनकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है मेडिकल एक्सपर्ट्स को ट्रस्ट करना बेसिकली किसी रैंडम यूट्यूबर को ट्रस्ट नहीं करना और क्या जब हेयर फॉल होता है लोग क्या करते हैं वो पहले उसको ढूंढते हैं क्या वो बहुत है उसके बाद प्रोडक्ट ढूंढते बजट में आ जाए उसके बाद वो रेमेडी सूट करेगी नहीं करेगी बहुत कंफ्यूजन है अगर आप भी अपने ट्वेंटीज में हेयर प्रॉब्लम्स फेस करें इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो बहुत रिसर्च के बाद मैंने निकाला है कि ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट से जो स्कैल्प टेस्ट कराती है जो फुल प्रूफ सोल्यूशन है फॉर हेयर लॉस जिसके अंदर मेडिकल एक्सपर्ट्स भी होते हैं और आयुर्वेदा के हिसाब से ट्रीट करा जाता है फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन कंपनी है जिसका नाम है ट्राया उसकी वेबसाइट

बेच के बेसिकली क्या एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए जिससे आप रिजल्ट रीच कर पाए क्योंकि सबकी हेयर प्रॉब्लम अलग होती है एक हेयर कोच डेडिकेट होगा जो आपसे व्हाट्सएप और कॉल पर भी कॉर्डिनेट करेगा पार्ट है बजट में सोल्यूशन निकलेगा आयुर्वेदा एंड मेडिकल के हिसाब से जो लोग पैसे वेस्ट करते हैं टोटको पे शैम्पू पे मास्क पे पिल्स पे अपना वो कैप्सूल्स पे सोचते बाल आ जाएंगे उससे अच्छा है यहाँ पे इन्वेस्ट करके आपका हेयर ग्रोथ भी गारंटीड हो जाएगी वो भी एक्सपर्ट्स के पर्सनैलिटी भाई को हटके बनानी है लेकिन हमारा ट्रेडिशनल वेयर कब निकलता है सिर्फ दिवाली पे या पूजा पे और पूरे साल में मैं कैलकुलेट कर रहा था नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ टाइम हम क्या करते हैं वेस्टर्न कैजुअल वेयर और शादी में भी आजकल टक्सीडो मैंने भी गलती करी है लेकिन अगर हटके बनना है बिल्कुल क्राउड के अंदर अलग से दिखना है तो क्या वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा लेकिन

तो आप कोलापुरी चप्पल के साथ पहनी अगर हल्का सा मॉडर्न टूस्ट देना है तो लोफर्स आ गए आपके व्हाइट स्नीकर्स आ गए और हाँ एवरेज इंडियन हाइट होती है फाइव पॉइंट फाइव टू फाइव पॉइंट एट अगर इसके लिए हल्का सा लिफ्ट देना है आपको इंडियन वेयर के साथ तो आप मोटी सोल वाली कोलापुरी चप्पल ले सकते हैं और चलसी बूट बहुत हटके लगते हैं वो आपको हल्की सी हाइट देता है पुष्ट देता है एंड अगर आपको मॉडर्न टूस्ट देना है आपका व्हाइट स्नीकर्स हो गया लोफर्स हो गया उसमें इंसर्ट स्टार ट्रेडिशनल वेयर एंड हेयर इसका कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेडिशनल वेयर रॉयल कैटेगरी के अंदर आता है अपना और बाल कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए मैसी रखे आपने शाबी रखे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर वो करेंगे शार्प हेयर स्टाइल रखेंगे तो वो बेस्ट लगेगा अपना मैक्स आउट कर सकते हैं और वो कैसे होगा वो तीन चीजों से पहला अपना बीएड सेट रहनी चाहिए साइड स्ट्रीम एंड शार्प हेयर स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट कैसे कोई वेट लुक में रख सकते हैं पॉम्पोटर हो गया स्लीक बैक हो गया कम से कम प्रोडक्ट में बिना प्रोडक्ट के रखने शॉर्ट में तो बस कट हो गया शॉर्ट शॉर्टमेस हो गया या ये सारे हेयर स्टाइल्स अगर शार्प हेयर स्टाइल्स पर वीडियो चाहिए विदाउट एनी डैमेज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन फेस स्ट्रक्चर सबको जेनेटिक मिलता है और फेस पे पानी रिटेन करना जल्दी ना भरना ये सारी कैपेसिटी भी आपको जेनेटिकली ही मिलती है फेस स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं हो सकता है लेकिन फेस हल्का सा चीजल हो सकता है इसे सारे स्टाइल आप पे सूट करे पानी ज्यादा रखना है नमक और जंक फूड हल्का कम रखना है अपनी डाइट पे और क्या फेस अगर मसल बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे कोई काम नहीं करेंगे खाते रहेंगे बिल्कुल कोई वर्कआउट नहीं करेंगे तो क्या ब्लोटिंग जल्दी होती है तो किसी भी तरीके की स्वेटिंग करनी है आपको और कैलरी डेफिसिट में डाइट जाएगी और पंद्रह मिनट के लिए आसना करनी है जिससे नीचे हल्का सा स्ट्रेस होगा और बी हमेशा ऊपर लाइट रखते हैं नीचे और जो भी आपका कट लगेगा इंच so खाना खाते हैं भाजी हल्दी विच इज वेरी गुड लेकिन इंपॉर्टेंट ओकेजन से पहले आपको अवॉइड करना है नहीं तो आपका जो येलो नेल्स होते हैं वो धोने से भी नहीं जाते है. जैसे रेस्टोर में मिलता है हल्का गुनगुना पानी उसमें लेमन डाल के साफ करें वो अच्छे से साफ हो जाएगा बॉडी स्मेल एंड बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम के लिए फूड्स आपको अवॉइड करने